हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ब्रांड सिंस 1994। आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है जिनका नाम है राजेश सिंह। इनके पास सर के पास स्टोर कार है। हम लोग ने दो से तीन बार गाड़ी पे हम लोग ने यूवी कर दिया हम लोग ने, बट दिस टाइम सर का प्लान था कि हम लोग आज पेन स्लेंट कोट करते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि पेन स्लेंट कोट होता क्या है और इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में आपको मैं डाल चुका हूँ मैं कि पेन स्लेंट कोट होता क्या है। तो आज थोड़ा सा सर का हम लोग रिव्यू समझ लें कि सर आज पेन स्लेंट कोट करवाने का प्लान क्यों बना सर का। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप? सर, हम लोग जैसे मैंने सबको बताया कि हम लोग ने दो से तीन बार आपका मैंने यूवी किया। मैंने यूवी के बेनिफिट आपको भी पता है कि आप लोग उसकी लाइफ क्या होती है, कितने दिन की उसकी 25 डे की लाइफ होती है, उसमें बेनिफिट क्या मिलता है। बट इस टाइम हम लोग पेंट सिलेंट कोट कर रहे हैं, तो सिलेंट कोट का आपने एकदम से कैसे प्लान बनाया कि हम लोग आज सिलेंट कोट करते हैं? कुछ तो आपको गाड़ी में प्रॉब्लम दिखा होगा, उसमें पेंट, उसमें वाटर मार्क्स आ गए हैं पेंट्स पे, तो थोड़ा वो निकल जाएगा। देन अगेन उसमें कोई स्टिकीनेस आ गई है, वो भी निकल जाती है और शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। उसके बाद एक नया सा पेंट में एक रिनोवेशन आ जाता है पूरा, और अच्छे से अगेन रिस्टोर हो जाता है पेंट। जैसे सर ने आपको बताया, सर एक्चुअली आज मेरे पास में आए थे, उनको मैंने पेन स्लेंट के बारे में बताया भी मैंने सर को। मैंने देखिए, पेन स्लेंट का बेनिफिट तो यही होता है, देखिए सीधी सी बात है, आपकी गाड़ी फेड हो रही, सर की गाड़ी फेड हो रही थी। आई एम राइट सर? यस। सर की गाड़ी फेड हो रही थी, वाटर मार्क्स बॉडी पे बहुत सारे हो चुके थे, और उसके अलावा गाड़ी पे वो अपने बोलते हैं हम लोग कि सर डिटेलिंग होता क्या, जितने भी आपके हार्ड वाटर आपके पार्ट्स में बीच से बैठ जाते हैं, तो आपका इस टाइम ये भी क्लीन हो जाएगा आपका। मैं सर मुझे एक चीज़ बताइए कि इसके पहले भी आपने यूवी कराया, तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिला? यूवी से अच्छी शाइन आ जाती है, पेंट प्रोटेक्टेड हो जाता है, बट उसकी थोड़ी सी लाइफ शॉर्ट है। इसलिए वो क्या है कि आप फ्रिक्वेंटली कराते हैं, इट्स गुड फॉर लॉन्ग टाइम, दिस वन इज़ बेटर। ओके, सर का कहना बिल्कुल सही कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको वी कैन गो विद द PSA। जैसे मैंने आपको PSA का मैंने फुल फॉर्म मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, मैं इस बार भी आपको बताता हूँ। PSA एक पेन सिलेंट एडवांस कोटिंग होता है। आज मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा और बेनिफिट भी बताऊँगा मैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब मेरे पास कार इन होता है, इन होते हम लोग कार के सर्फेस इज ड्राई एंड द फॉर्म वॉश्ड एंड क्लीन। गाड़ी को हम लोग सर्फेस करते हैं, मतलब जितने भी आपके तार के दाग हो गए, डामर के दाग हो गए, सबको हम लोग साफ करते, गाड़ी को ड्राई करते हैं, फिर गाड़ी वॉश होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते हैं रबिंग पॉलिश से। एक रबिंग कंपाउंड हम लोग फुल बॉडी पे चलाते हैं, जिससे आपकी गाड़ी जितनी भी सोल मार्क्स रहता है वो रिमूव हो जाता है। फिर हम लोग यूज़ करते हैं मशीन पॉलिश, सेकेंड मशीन पॉलिश करते हैं। मशीन पॉलिश काम होता है गाड़ी को एक्चुअल शाइन करना, एक्चुअल शाइन में गाड़ी को डालना सर। उसके बाद हम लोग गाड़ी को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद गाड़ी के जब हम लोग को वापस वॉश के बाद आती है, तो हम लोग उसको अच्छे से वैक्यूमिंग होता है। वैक्यूमिंग के बाद हम लोग गाड़ी का इंटीरियर पॉलिश होता है। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये हमारे कि यार हम लोग PSA का बेस क्या होता है? PSA का बेस होता है सिंथेटिक सिलेंट। थोड़ा सा एक रिव्यू देंगे कि यहाँ पर वो 3M ही क्यों आते हैं, मतलब वाई यू चूजिंग 3M? इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। सर मुझे थोड़ा सा ये बताया ना कि आपने 3M को ही क्यों चूज़ किया आपने? 3M अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है, और इनके सारे ही प्रोडक्ट मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल पे मतलब हाई रेटेड है। चाहे आप पॉलिश ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, और सर्विस इज़ बेस्ट। सेकेंडली, इफ़ यू आर ओनिंग अ गुड कार, आपको उसको अगर लॉन्ग लाइफ देनी है, देन यू शुड चूज़ 3M। दैट्स व्हाट आई थिंक। और 3M के बाद में काम कराने के बाद इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। सो वन ऑफ द थिंग इज दैट देखिए, कस्टमर को वही चाहिए कि वैल्यू ऑफ मनी, वो मेन चीज़ है, और वो चीज़ 3M में मिल जाती है। सर थोड़ा सा ये बताया कि एक्चुअली आपको मेरी सर्विस कैसे लगती है? मतलब ये नहीं कि मैं फ्रंट ऑफ कैमरा हूँ मैं, बिकॉज मेरे लिए सारे क्लाइंट तो मेरे लिए एज ए भगवान होते हैं। मतलब बिकॉज मेरा आज घर चल रहा है, तो मेरा क्लाइंट से घर चल रहा है, तो मेरे लिए कस्टमर ऑलवेज राइट। और कस्टमर की सर देखिए, मेरा काम ही कस्टमर को सेटिस्फाइड करके भेजना। तो थोड़ा सा मुझे ये बताया कि जब आप मुझसे मिले, तो आपको मुझसे क्या सर्विस मिला, और मैं आपका नीड को मैं समझ पाता हूँ या नहीं समझ पाता हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे बताए ना आप। हमारे अश्विन से मैं 6-7 महीने पहले मिला, द फर्स्ट टाइम वी मेट हियर ओनली, एंड इज़ अ वेरी जेंटल गाय एंड वेरी गुड सेल्समैन, आई कैन से यू के इनका एक काम करने का तरीका, एक रिस्पांस करने का तरीका, एक सर्विस देने का तरीका, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास काइंड ऑफ थिंग। एंड ही हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो। कभी भी मुझे मेरी सर्विस के लिए मुझे वापस नहीं जाना पड़ा। वंस आई टोल्ड हिम फ्रॉम होम ऑल्सो ही हैज़ डन माई जॉब। सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय आई हैव मेट इन दिस क्लास ऑफ सर्विसेज।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, बट सर ऐसे नहीं है, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने सर मैंने सर देखिए एक्चुअली जब मैं क्लाइंट से सीखता हूँ, बिल्कुल जैसे आपको मैंने बताया था इसके पहले मैं होटल इंडस्ट्री में था मैं सर, तो होटल इंडस्ट्री छोड़ने के बाद एकदम से मैं एक नया इंडस्ट्री में आ गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया सर मैंने, तो मेरे लिए कस्टम मैं सबसे अधिक अगर मैं किसी से सीखता हूँ तो कस्टमर से सीखता हूँ, क्लाइंट से सीखता हूँ मैं, बिकॉज सर एक्चुअली सर जितना मुझे मैंने आपसे दो तीन चीज़ ये सीखा मैंने कि हमें क्लाइंट की नीड समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप राजेश सर आए या राजेश सर MD ले BMW लेके आ गए तो इनसे मैं पैसा 10 गुना ले लूँ, नहीं मेरा काम ही कस्टमर को सारी बात बताने की सर मेरे पास वी हैव 10-12 कितने टाइप्स की भी सर्विसेज है, बट डिपेंड ये करता है कि सर को रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं उस पर भी काम करता हूँ। सेकेंड बार सर मैंने आपसे दो तीन चीज़ ये सीखा मैंने कि यार आप सर्विस कराना है तो बट आपको ये पता है कि किस टाइम क्या सर्विस करवाना चाहिए, ऐसे नहीं कि पैसे की प्रॉब्लम है, बट आपको ये चीज़ मुझे मैंने आपसे दो चीज़ बहुत अच्छा लगा मैंने कि आप सर्विस आपको पता है कि कब क्या सर्विस करवाना चाहिए और बेनिफिट कब क्या मिलेगा, तो सर मुझे अच्छा लगता है सर मुझे, और मुझे दो तीन अगर आपसे टिप्स मिल जाए सर तो मेरे लिए बहुत अच्छे, बिकॉज सर क्लाइंट तो मतलब मेरे लिए तो भगवान ही है सर, तो आपसे अगर कुछ सीखूंगा मैं तो डेफिनेटली आगे कस्टमर के लिए मैं वो चीज़ को मैं प्रूव करूँगा, इम्प्रूव करूँगा मैं सर। अश्विन एवरीथिंग इज़ वेरी गुड बट आई थिंक दैट यू शुड कंटिन्यू विद दिस सेम एंड यू शुड प्रोग्रेस विद दिस फील्ड, यू आर इन वेरी गुड स्टेट आई कैन से कि इस फील्ड के अंदर आपका एक बहुत अच्छी पकड़ बन गई है, एंड यू शुड कंटिन्यू विद दिस, एंड दिस इज़ नथिंग, क्या कोई भी आदमी के कितना इम्प्रूव करने की कोई लिमिट्स नहीं है, एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू नो डोंट नीड एनी काइंड ऑफ टिप्स फ्रॉम एनी वन। ओके डेफिनेटली सर इस चीज़ को मैं आगे इम्प्रूव करूँगा मैं, और बिकॉज सर आपके कहना से समथिंग इज द बेटर देन नथिंग, बहुत कस्टमर के थॉट भी रहते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने आपसे सीखा मैंने, तो मुझे क्लाइंट को मुझे समझना है और आपके जितने भी वर्ड है सर उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँगा मैं, जिससे मेरे आगे आने वाले कस्टमर को फेस ना करना पड़े सर मैं। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइव सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कुछ लगता है चेंजेस करना पड़े, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल, मैं इसका कोई प्रोफेशनल नहीं, बट मैं अभी मैंने स्टार्ट किया सर मैंने, तो मैं उस चीज़ सीख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार क्लाइंट को जितना वीडियो से आप समझा सकते हो उतना आप बात करके नहीं समझा सकते हो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, और मैं आपको एक सिंथेटिक सिलेंट भी दिखाना चाह रहा हूँ जो हम लोग जैसा मैंने आपको बताया मैंने कि हम लोग ने गाड़ी ड्राई हो चुकी है, तार के दाग सारे साफ हो चुके हैं, डिटेलिंग हो चुका है, अब हम लोग का रबिंग पॉलिश चल रहा है, आप देख सकते हो गाड़ी का रबिंग पॉलिश, ये रबिंग पॉलिश है, ये गाड़ी का रबिंग पॉलिश अभी चल रहा है, ये सिंथेटिक सिलेंट है, हम लोग रबिंग पॉलिश के बाद एक मशीन पॉलिश होता है उसके बाद सिंथेटिक सिलेंट लगाते हैं, तो बेनिफिट तो रहेगा आप देख सकते हैं गाड़ी, तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आफ्टर रिल आप देखिएगा कि आफ्टर रिल इसका बहुत अच्छा आने वाला है इसका। आप देख सकते हो इसका पेंट सिलेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आफ्टर पेंट सिलेंट का लुक देखिए आप, एक्चुअल जैसे आप कार कंपनी से लेकर आते हो वैसे लाइक वैसे शाइनिंग आपको दे रही गाड़ी पूरी, और मैं आपको क्लाइंट से मिलवाना चाहता हूँ उनका क्या फील रहा और कैसा उनकी एक्सपीरियंस रहा सर, सर मुझे थोड़ा सा बताया आप कि आपको कैसा सर्विस लगा मेरा, और जैसे मैंने आपको मैंने ब्रीफ किया तो वैसे मेरा काम मैंने किया कि नहीं किया? सर्विस बहुत ही अच्छी थी आपकी, और सारे एक्सपेक्टेशंस आपने मीट करे जो PSA कोटिंग का था, इट इज़ नाइसली डन सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और आगे भी हम लोग कोटिंग करते रहेंगे सर, है ना,
थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग इसको देखिएगा और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कि भी आपका वीडियो कैसा बना। आप लाइक डिसलाइक आपको जो अच्छा लगे वो आप ज़रूर कीजिएगा, और आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ ऐसे आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।